सोलन के नगर परिषद में मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन उद्घाटन आयोजित किए। ये कार्यक्रम करीबन 2 घंटे तक चला, जिसमें जिला प्रशासन समेत कई भाजपा नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल समेत कई नेता ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। गौरतलब है कि ये सारा कार्यक्रम बिजली विभाग द्वारा जनरेटर पर ही करवाया गया, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बिजली विभाग को अपनी कार्यप्रणाली पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि कब बिजली का कट लग जाए। इसलिए उन्होंने बिना जोखिम उठाए जनरेटर की बिजली से ही सारा कार्यक्रम आयोजित किया। सुखद बात ये रही कि इस दौरान बिजली का कट भी नहीं लगा। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सोलनवासी विवेक शर्मा ने कहा कि सोलन में बिजली के कट इतने ज्यादा लगने लगे हैं कि सोलन शहरवासियों के साथ साथ बिजली बोर्ड के अधिकारियों को भी बिजली के कट का डर सताने लगा है। यही वजह रही कि उन्होंने अपने विभाग के बिजली नहीं बल्कि जनरेटर को ही उपयोग में लाकर उसके माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने बताया कि ये घटना ये साबित करती है कि सोलन का बिजली बोर्ड कितना सक्षम है, जो 2 घंटे भी अपनी कार्यप्रणाली पर भरोसा नहीं कर सकता है। ऐसे में सोलनवासी किस तरह से कार्यक्रम आयोजित करते होंगे, ये आप सभी के सामने है। सामान्यतः कोविड काल में व्यवस्था या प्रशासनिक अधिकारियों से प्रश्न पूछना एक आपराधिक घटना की श्रेणी में आता है। ऐसा हमें अनुभव किया है हमने लगभग पिछले 9-10 महीनों में। लेकिन आज प्रदेश के सामान्य मुख्यमंत्री जी ने कुछ शिलान्यास, कुछ उद्घाटन किए हैं, जिसके लिए हम समाज की ओर से उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन उसमें एक बड़ी घटना जो आज देखने के सामने ही आई कि बिजली विभाग ने उस वर्चुअल कार्यक्रम के लिए बिजली की जो आपूर्ति के लिए जनरेटर का उपयोग किया, जो अपने आप में बहुत से प्रश्न खड़े करता है। क्या 2 घंटे के कार्यक्रम के लिए भी बिजली विभाग अगर बिजली उपलब्ध कराने के लिए सक्षम नहीं है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है? क्या वो उन्हें स्वयं अपने आप पर, अपनी कार्य पद्धति के ऊपर, अपनी कार्य क्षमता के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, या वास्तविकता में स्थितियां इतनी खराब हो चुकी हैं, ये अपने आप में एक प्रश्न है। और ये वो लोग हैं कि अगर आज इन्हें वॉलंटियर रिटायरमेंट की ऑफर दी जाए तो लाइनें लग जाएंगी, काम नहीं करना चाहते, ये इसका प्रमाण पत्र है। और ये जो जनरेटर्स खरीदे जा रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है, या सामान्य आदमी के मतलब टैक्स से लिया जा रहा है, उसी से किया जा रहा है। अदरवाइज इनकी हालत तो ये है कि पैरास्टामॉल की गोली भी लेते हैं अगर खाने के लिए, तो उसका भी बिल सरकार को दे देते हैं कि हम तो बीमार थे जी, हमने पैरास्टामॉल की गोली खाई है। बड़ा दुर्भाग्य है और मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ, और मुझे लगता है समाज को इस पर चिंता करनी चाहिए।